हेलो गाइस एंड वेलकम टू बॉलीवुड गाइड। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टर हरफन मौला कलाकार सतीश शाह के बारे में। सतीश शाह बॉलीवुड के उन सितारों में से है जो अपने कॉमिक रोल और अपनी जबरदस्त कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। सतीश शाह का किसी भी फिल्म में होना ये बात से ये पता चलता है कि इस फिल्म में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया गया है। सतीश शाह ने हर फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर वाले रोल प्ले किए और इनके द्वारा निभाए गए कैरेक्टर में ये अपने अभिनय से इतनी जान डाल देते हैं कि इनके निभाए गए रोल दिमाग पर अपनी अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। लगभग 4 दशकों से फिल्मों और टीवी सीरियल के जरिए मनोरंजन देने वाले सतीश शाह की कहानी आज आपको जानने मिलेंगी आपके अपने चैनल बॉलीवुड गाइड पे। सतीश शाह साहब का जन्म हुआ 25 जून सन 1951 को मुंबई में और इनका नाम रखा गया सतीश रविलाल शाह और इनकी पढ़ाई लिखाई हुई मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से। अपने बचपन में सतीश शाह को स्पोर्ट्स में बेहद दिलचस्पी थी, यही वजह रही कि उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में एडमिशन लिया था और एक्टिंग की दुनिया से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था और ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि किसी दिन ये भी फिल्मों का हिस्सा बनेंगे और एक्टिंग का पेशा अख्तियार करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये 8वीं क्लास में थे तो इनके स्कूल में नाटकों के प्रोग्राम किए जा रहे थे। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती प्लेस किए जाते थे। इस साल भी नाटक किए जाने थे जिसमें स्कूल में पढ़ रहे बहुत सारे बच्चों ने शिरकत किया, जिसमें इंग्लिश और गुजराती प्लेस के लिए तो बहुत सारे नाम सामने आए लेकिन हिंदी नाटकों के लिए कुछ गिने चुने नाम ही सामने आए। हाँ, तो बच्चों इस महीने की 15 तारीख को हमारे कॉलेज का एनुअल डे, उसमें ड्रामा भी होगा। जो जो बच्चे हिस्सा लेना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। तो बोगस क्लास है। और सतीश शाह की हिंदी बहुत ही अच्छी थी जिसकी वजह से इनके एक टीचर जिनका नाम रहा साहेब अली सैयद, उन्होंने सतीश शाह को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा नाम हिंदी प्ले में मेन लीड में लिख रहा हूँ, तुम्हें हिंदी प्ले में मेन लीड में काम करना है। सतीश शाह टीचर की ये बात सुन के थोड़ा घबराए और टीचर को सामने से मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें प्ले का हिस्सा बनना पड़ा। और फिर आखिरकार प्रदर्शन का दिन आया और उन्होंने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि उनके लिए बेहद तालियां बजी और फिर सतीश शाह के दिल से खुद ब खुद एक्टिंग को लेकर डर निकल गया और इनके कदम खुद ब खुद एक्टिंग की तरफ चल दिए। यही वजह रही कि सतीश शाह ने FTII यानी के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और FTII से उन्होंने थिएटर और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और ये फिल्मों में आ गए। इनको इनके करियर की पहली फिल्म मिली थी साल 1978 की फिल्म अरविंद देसाई की अजीब दास्तान। इस फिल्म के डायरेक्टर रहे सईद अख्तर मिर्जा। दिन दहाड़े खून करना पड़ता है, गला घोटना पड़ता है, तब जाके उसके कुछ पैसे मिलते हैं। इसी तरह सतीश शाह ने साल 1978 की एक और फिल्म गमन में काम किया। उसके बाद अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, उमराव जान, शक्ति और साल 1983 की फिल्म जाने भी दो यारों में काम किया। फिल्म जाने भी दो यारों में सतीश शाह ने म्यूनिसिपल कमिश्नर डी मोलो का किरदार निभाया था जो कि उनका एक बहुत ही दमदार किरदार था जो लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया था। जाने भी तो यारो ये फिल्म बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है क्योंकि इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, रवि बिस्वानी, सती कौशिक, पंकज कपूर, ओम पुरी जैसे मल्टी टैलेंटेड एक्टर थे। यही वजह रही कि ये फिल्म इस वक्त ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और इस फिल्म ने एक फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया था। इसी तरह सतीश शाह ने कैसे कैसे लोग, भावना, पुराना मंदिर, भगवान दादा, पीछा करो, अमृत, मैं बलवान, आग और शोला, कलयुग और रामायण, दिल जला, जान हथेली पे, परम धर्म, अपने अपने, घरवाली बाहर वाली, घर में राम गली में श्याम, एक ही मकसद, याराना, कमांडो, घर घर की कहानी, हीरो हीरा लाल, माला माल, दोस्त गरीबों का, सच्चे का बोलबाला, पुरानी हवेली, बड़े घर की बेटी, तौहीन, तेरे बिन क्या जीना, खोज, हिसाब खून का, लड़ाई, महादेव, शैतानी इलाका, चोर पे मोर, अंबा, थानेदार, अपमान की आग, पत्थर के इंसान, काली गंगा, नामचीन, देशवासी, बेनाम बादशाह, प्रतिकार, धर्म संकट, नरसीमा, आज का गुंडाराज, संगीत, बॉम ब्लास्ट, सैनिक, आशिक आवारा, कभी हाँ कभी ना, हम आपके है कौन, घर की इज्जत, तीसरा कौन, बाजी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अकेले हम अकेले तुम, साजन चले ससुराल, जुड़वा, हीरो नंबर 1, गुलामे मुस्तफ़ा,
सात रंगे के सपने, घरवाली बाहरवाली, अनाड़ी नंबर वन, पन कहो ना प्यार है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हर दिल जो प्यार करेगा कितने दूर कितने पास, मुझसे दोस्ती करूँगी जीना सिर्फ मेरे लिए, साथिया तुझे मेरी कसम, इश्क विश्क चलते चलते कुछ ना कहो, कल हो ना हो मस्ती मैं हूँ ना, मुझसे शादी करूँगी शादी नंबर वन, ओम शांति ओम भूतनाथ, मिलेंगे मिलेंगे खिचड़ी द मूवी, रावण और हमशकल जैसी छोटी बड़ी सभी फिल्मों में काम किया और आज भी इनका ये फिल्मों में काम करने का सिलसिला जारी है। उन्होंने सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही काम नहीं किया बल्कि मराठी तेलुगू गुजराती फिल्मों का भी ये हिस्सा बने। उन्होंने 1978 से लेकर आज तक भी कई अनगिनत फिल्मों में डिफरेंट कैरेक्टर वाले रोल प्ले किए हैं और फिल्म इंडस्ट्री के सभी छोटे बड़े हीरो और हीरोइन के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन एक्टर नासिरुद्दीन शाह के साथ उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया और नसीरुद्दीन शाह की वाइफ अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह के साथ उन्होंने बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल में काम किया। सतीश शाह ने साल 1984 की बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल ये जो है जिंदगी के 60 एपिसोड में 60 अलग अलग तरह के रोल प्ले किए थे। 1984 की टीवी सीरियल ये जो है जिंदगी में इतने सारे अलग अलग तरह के रोल प्ले करना और इतने सारे भूमिकाओं में जान डालना, इस बात से ये पता चलता है कि ये कितने मंझे हुए आर्टिस्ट है। ये जो जिंदगी जो सीरियल था वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि मेरा पूरा जो भविष्य खड़ा गया है बना है वो इस सीरियल से बना है। आई ओन एवरीथिंग टू दिस सीरियल। और साथ में 1996 की टीवी सीरियल बीवी तो बीवी सालारे साला में भी ये नजर आए और साथ ही उन्होंने मस्त मस्त जिंदगी, घर जमाई, नहले पे दहला और 2004 में स्टार वन पे आने वाली बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल सारा भाई भी सारा भाई में काम किया और इस टीवी सीरियल के जरिए उन्होंने बहुत ही सुर्खियां बटोरी थी। इस टीवी सीरियल में रत्ना पाठक शाह और सुमित राघवान के साथ ये जबरदस्त कॉमेडी करते नजर आए थे। इस टीवी शो ने इस वक्त कई अवार्ड भी अपने नाम किए थे। बात करें अगर सतीश शाह की निजी जिंदगी की तो इनकी पत्नी का नाम है मधु। सतीश शाह और मधु की मुलाकात एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान हुई थी जहां उन्होंने मधु को पसंद किया था और फिर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी की थी। एक्टर सतीश शाह का परिवार गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी इलाके से ताल्लुक रखता है। तो दोस्तों ये थी कहानी स्टेज, टेलीविजन और फिल्मों में अपने एक्टिंग के दम पे अपना लोहा मनवाने वाले एक्टर सतीश शाह की।